अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एकदम स्ट्रीट स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल ट्रिपल शेजवान राइस। इसे ट्रिपल शेजवान राइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइस, नूडल्स, ग्रेवी सब कुछ शामिल होता है इस एक डिश में। खाने में बहुत ही मज़ेदार और चटपटी डिश होती है। तो चले देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। इसके साथ ही 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून ही नमक है। और इसके साथ में 1.5 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर है, कॉर्न स्टार्च या अरारोट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे हमें ऐसे मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि चिकन के ब्रेस्ट पीस है और चिकन का ब्रेस्ट बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसे मैरिनेट ना करें राइट अवे भी बनाएंगे तो चलेगा। मैं भी इसे राइट अवे बना रही हूँ मिक्स करने के बाद। इसके लिए जिस कढ़ाई में मुझे ग्रेवी बनानी है उसी सेम कढ़ाई में मैं ऑयल लूँगी, 1 से 2 टेबल स्पून के जितना। और इसमें हमने जो चिकन को मसाला लगाया था वो चिकन डाल देंगे। शुरू में हमें हाई फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम पे इसे सॉटे करना है। हाई फ्लेम पे इसे सॉटे करेंगे ताकि चिकन को पानी ना छूटे बल्कि चिकन फटाफट से हाई फ्लेम पर ही पक जाए। इस तरह से इसे हिलाते हुए सारे पीसेस को अलग करके हम इसे पकाएंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन डीप फ्राई के लिए फिर आपको अंडे की कोटिंग भी चाहिए। हम इसे इसी तरह कम ऑयल में बनाएंगे। फ्लेम को लो करके मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ इसे। तब तक हम इसके लिए एक सॉस बना लेते हैं। इसके लिए 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस है, अगर आप लाइट सोया सॉस यूज़ करें तो 1 टेबल स्पून ले, ये 1 टेबल स्पून विनेगर है, ये 2 टेबल स्पून भर के शेजवान चटनी है, इसमें शेजवान चटनी अच्छी खासी मिकदार में यूज़ होती है, ये 1 टेबल स्पून टमाटो केचप है और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर और 1/2 टीस्पून के जितनी काला मिरी पाउडर यूज़ करूँगी। और 1/2 टीस्पून मैंने शक्कर डाली है, वो नमक नहीं था, शक्कर ही थी क्योंकि सारे सॉसेस में नमक काफ़ी मिकदार में होता है, इसीलिए सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें हम थोड़ी शक्कर ऐड करेंगे। ये देखिए चिकन भी हमारा गल गया है और मीडियम फ्लेम थी इसीलिए चिकन को पानी भी रिलीज़ नहीं हुआ और चिकन हमारा गल के तैयार हो गया है। इसे अब हम पैन में से निकाल देंगे क्योंकि हमें इसी पैन में ग्रेवी बनानी है। तो चिकन को निकालेंगे और फिर इसी पैन में हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। ये देखिए ये पीसेस है, इसमें से मैं थोड़े से पीसेस निकाल के इसे छोटा छोटा कट कर ले रही हूँ क्योंकि इसी में से थोड़ा सा चिकन मैं राइस में भी डालूँगी। इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। या आप चाहें तो राइस को पूरी तरह वेजिटेरियन ही रख सकते हैं, उसमें चिकन ना ऐड करें, सिर्फ ग्रेवी में ही चिकन रखें। ये देखिए ये इतना चिकन मैं राइस में डालूंगी और जो बाकी बचा चिकन है वो हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। तो उसी सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और तेल डाल रही हूँ। इसके साथ ही 1 टीस्पून जिंजर डालेंगे चॉप की हुई और 1 टेबल स्पून गार्लिक डालेंगे चॉप किया हुआ। इसमें गार्लिक थोड़ा ज़्यादा जाता है, गार्लिक का फ्लेवर चाइनीज़ में बहुत ही अच्छा लगता है। इन सबको हम 1-2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे हाई फ्लेम पर। ये जिंजर गार्लिक सॉटे हो जाए तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, ये कैरेट है, कैप्सिकम, 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ प्याज है और 1 टेबल स्पून ही चॉप किया हुआ कैबेज था। इन सबको हाई फ्लेम पर 30-40 सेकेंड्स के लिए हम सॉटे करेंगे। सब्जियों का हमें बहुत गला नहीं देना है, इसका क्रंच बरकरार रखना है, इसीलिए हम हाई फ्लेम पर ही इसे सॉटे करेंगे।
इसके बाद हमने जो सॉस मिक्सचर बनाया था ना, वो मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम हमारी हाई ही है, हाई फ्लेम पर जब सारे सॉसेस डालते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा सा कैरमलाइज टेस्ट आता है। और हमने इसमें कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाली थी, वो मिर्ची की पाउडर भी पक जाएंगी। इन सबको भी हमें एक आध मिनट के लिए सॉटे करना है। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, जो हमने बाउल में सॉस बनाया था उसी बाउल को खंगाल के थोड़ा सा पानी बस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और इसकी एक स्लरी बना लेंगे। इस कॉर्नफ्लावर को हमें ग्रेवी में मिक्स करना है। ध्यान रहे, जब ग्रेवी को बॉईल आने लगे तभी हमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करना है। ठंडी ग्रेवी में अगर मिक्स करेंगे तो कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे कंटिन्यू हमें थोड़ी देर हिलाना है, वरना लम्स पड़ जाएंगे। फ्लेम मेरी शुरू से हाई ही है, हाई फ्लेम पर ही मैं बना रही हूँ ये ग्रेवी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये थोड़ी अभी थिक है, इसे हमें थोड़ा सा थिन आउट करना है। तो मैं इसमें 1 कप पानी और शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर बेस्ड ग्रेवी है तो ये ठंडी होने के बाद और थिक भी हो जाती है। ये देखिए इसे बॉईल आ रहा है, आप किसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये ग्रेवी की। इसमें हमारा चिकन हम शामिल कर देंगे। चिकन डालने के बाद बस 4 से 5 मिनट हमें इसे पकाना है। इसमें मैं थोड़े से धनिए की डंडियां ऐड कर रही हूँ, जो धनिए की डंडियां रहती है ना, कोरिएंडर स्टेम जिसे कहते हैं, वो डालेंगे, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, क्योंकि हमने जितनी सॉसेस डाली है सब में सॉल्ट था, तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट करके देख रही हूँ ग्रेवी में बराबर है या नहीं। सॉल्ट हमारा परफेक्ट है, एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये ग्रेवी हमारी बनके तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके मैं साइड में रख दूंगी और राइस की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक सॉस बनानी है। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून शेजवान चटनी ली है, इसमें 1/2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे, इसी के साथ 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और ये 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून शक्कर थी। इसमें भी हम थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे ताकि सारी सॉसेस का फ्लेवर है बैलेंस हो जाए। इस सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिस वॉक में हमें बनाना है राइस, उसमें मैंने तेल लिया है थोड़ा सा, करीब 3 से 4 टेबलस्पून के जितना। और इसमें मैं पहले एक ऑमलेट बना रही हूँ, जो ऑमलेट हम ऊपर से सर्व करेंगे राइस के साथ में, वो मैं पहले इसी में बना के निकाल दूँगी और उसके बाद इसी सेम कढ़ाई में मैं राइस बना लूँगी। तो ये देखिए हमारा ऑमलेट बन गया है। निकालते निकालते ये ऑमलेट थोड़ा सा टूट गया था, कोई बात नहीं, तोड़कर ही खाना होता है। इसी सेम कढ़ाई में 1 टीस्पून चॉप किया हुआ जिंजर और 1 टेबलस्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। इसे भी हमें 30-40 सेकेंड्स के लिए सॉटे करना है। शुरू में मैं फ्लेम हाई ही रख रही हूँ, हाई फ्लेम पर सबको सॉटे करना है हमें, जिंजर और गार्लिक को। जब इनकी रॉय स्मेल्स थोड़ी सी ख़त्म हो जाए ना, इसके बाद हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये 1/2 कप कैबेज है, कैरेट, कैप्सिकम और थोड़ा सा ऑनियन था। सब्जियां आप अपने मुताबिक ले लीजिए, आप जितनी खाना पसंद करते हैं। इन सबको भी हाई फ्लेम पर 30-40 सेकेंड्स के लिए ही सॉटे करेंगे हम, क्योंकि हमें सब्जियाँ बहुत सॉगी नहीं करनी है, गला नहीं देनी है। इसके साथ इसमें भी मैंने थोड़े से धनिए की डंडियाँ ऐड की है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर ही सॉटे करना है, क्योंकि उनका क्रंच बरकरार होना चाहिए।
आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन्स आता है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसीलिए मैंने नहीं डाला है। इसमें मैं 2.5 कप बॉइल्ड राइस ऐड कर रही हूँ। 1 कप चावल को मैंने भिगा के उबाल दिया था, बॉईल करने के बाद ये 2.5 कप हो गए थे। इसके साथ ही 100 ग्राम्स बॉईल किए हुए नूडल्स भी ऐड कर रही हूँ। इन सब को पहले हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। जब ये सारा मिक्स हो जाए तो फ्लेम को लो करके हम ये सॉस ऐड करेंगे। सॉस डालकर भी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम मेरी मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से टॉस कर लेना है ताकि सॉस सारे चावलों पे और सारे नूडल्स पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये नूडल्स राइस बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। आपने देखा होगा कि स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल ज़्यादातर लोग चाइनीज़ खाना ही पसंद करते हैं। ये देखिए सब कुछ मिक्स हो गया है इसमें। अब मैंने जो चिकन शुरू में निकाल के रखा था ना थोड़ा सा, वो चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चाइनीज़ खाना तो वैसे भी आजकल सबका फेवरेट हो गया है, तो क्यों ना हम इसे घर पे ही बनाएं। हेल्दी और हाइजीनिक तरीके से इसे हम घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे ट्रिपल शेजवान राइस तैयार है। ग्रेवी हमने पहले ही बनाकर रख दी थी, तो चले गर्मा गर्म इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारे ट्रिपल शेजवान राइस और ग्रेवी तैयार है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट ग्रेवी बनी है। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ग्रेवी और थिक हो जाएगी, तो ये अब ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।